अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटजी है सबसे इम्पोर्टेंट, और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूँ सीए महेश गोयल, और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम क्रैकर या मेरे रिविजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूँ अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स है। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है? अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे, और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा 19th मई से सुपर ओवर बैच शुरू होने वाला है। सुपर ओवर बैच जो है वो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पूरा सब्जेक्ट जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर सके। तो ये प्रैक्टिस बैच की तरह रहेगा हमारा। इसमें IDT जो है मैं लेने वाला हूँ, और बाकी के और भी प्रोफेसर सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग एंड दुर्गेश सिंह सर डायरेक्ट टैक्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे सुपर ओवर बैच में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैपिड रिवीजन मैराथन में इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट। इसके बारे में जरा देखते हैं और समझते हैं हम यहाँ पर क्या है। देखो बेटा, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कौन सा चैप्टर, असेसमेंट चैप्टर में, कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा केस जो है, मान लो बॉबी साहब का लेते हैं। बॉबी साहब ने क्या किया था कि उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन करवा रखा था बट उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था। या अमित जी का केस लेते हैं कि उन्होंने रिटर्न फाइल किया था बट डिस्क्रिपेंसीज थी, जब मैंने उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए मुझे, तो फिर उस केस में मैं क्या करूँगा? तो उस केस में हमने पढ़ा था कि ऑडिट करवा सकता हूँ मैं, जो डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं उनको भेज करके ऑडिट करवा सकता हूँ। मैं कौन यहाँ पे? GST ऑफिसर हूँ, प्रॉपर ऑफिसर। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं टैक्स ऑडिट करवा सकता हूँ। उस केस में जो ऑडिट होगी वो कौन करेगा? CA या CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनके थ्रू ऑडिट करवा सकता हूँ। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैं सर्च सीज करवा सकता हूँ, मुझे डाउट हो तो उनके जो बिजनेस प्रीमाइसेस वहाँ पे सर्च करवा सकता हूँ, इंस्पेक्शन करवा सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह का, बराबर है। कुछ गुड्स वगैरह अगर मुझे लगते हैं कि जो फ्रॉड में कुछ गुड्स को यूज़ किया गया इन्वॉल्व है या जिन गुड्स के साथ फ्रॉड किया जा रहा है उनको सीज कर सकता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको सीज कर सकता हूँ, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है इसमें पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। ये पावर किसके पास में होती है? तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना, पावर जॉइंट कमिश्नर, क्या जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक का ऑफिसर किसी ऑफिस को ऑथराइज करेंगे कि आप जाकर के सर्च करो या इंस्पेक्शन करो, तो वो बंदा जाकर के इंस्पेक्शन करेगा। तो मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, ओके, मैं जो हूँ वो जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर की रैंक का ऑफिसर हूँ। ये जो भाई साहब है, ये जो ऑफिसर है, मैंने इनको बोला कि आप जाओ इंस्पेक्शन करके आओ, सर्च करके आओ, कोई डॉक्यूमेंट मिले सीज करके आओ। तो ये भाई साहब गए यहाँ पर, ये कौन है? ये एक बिजनेस मैन है, बराबर है। ये देखो पीछे इनका बिजनेस है, बराबर। अब ये इनके पास में गए और यहाँ पे इन्होंने जाकर के ऑर्डर, जो मैं इनको ऑर्डर दूंगा वो ऑर्डर दिखाएंगे कि हम यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए, सर्च के लिए आए। वो सर्च वारंट जब दिखाया जाएगा तो ये सर्च करने के लिए बोलेंगे, ये यहाँ पे सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो इन भाई साहब को देखो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले और इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड मिल रहा है, इनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही सीज कर लेंगे, बराबर है। ये कहाँ पे सर्च करेंगे? जो बिजनेस प्रीमाइसेस है वहाँ पे कर सकते हैं, फैक्ट्री में कर सकते हैं, इनका जो ऑफिस है उस ऑफिस में भी जाकर के सर्च किया जा सकता है, बराबर है। दूसरी चीज़, अब ये जो ऑफिसर है जिनको मैंने अपॉइंट किया था, ये ऑफिसर बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करने के बाद में एक फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में ये देखो कितनी सारी मशीनरीज है, ये जो मशीनें होती हैं इनको मालूम चलता है कि इनमें से कुछ मशीनरीज ऐसी है, बराबर है, जिनके साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के फ्रॉड किया गया, बराबर है, या टैक्स वगैरह की चोरी की गई है, या चोरी छिपे मशीनें खरीदी गई है, कुछ भी XYZ, बराबर है, जिनका कोई इनवॉइस वगैरह नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, बराबर है, ऐसी सिचुएशन इनको मालूम चलती है। अब उस केस में इतनी बड़ी मशीन जो उनको सीज करके लाना पॉसिबल नहीं है, उस केस में उसको डिटेन कर लिया जाता है, मतलब कि एक ऑर्डर बना करके ये दे देंगे इनको, कौन, जो बिजनेसमैन है, इन भाई साहब को, कि भाई साहब ये मशीनरीज आप कहीं पे भी सेल आउट नहीं करोगे जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी, और ये इस जगह से हिलनी नीचे, और यहाँ पर इस फैक्ट्री को ताला वगैरह भी लगाया जा सकता है, बराबर है। मान लीजिए ये इतने शातिर है ये बिजनेसमैन कि इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से अलमारी में छिपा रखे हैं, और इसका डाउट
हमारे ऑफिसर को होता है जिसको मैंने अपॉइंट किया, मैं कौन, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर या उसके ऊपर की रैंक ऑफिसर, इनको अपॉइंट किया और इनको डाउट होता तो ये उस अलमारी का ताला तोड़ भी सकते हैं अगर ये हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते या वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं उस केस में। उसके अलावा याद रखना, अगर मान लो किसी रूम में, किसी पर्टिकुलर ऑफिस में अगर कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको लगता है काम की वो छिपाई गई है और उस रूम का दरवाजा नहीं खोला जा रहा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं दया दरवाजा तोड़ दो, और दया दरवाजा तोड़ देगा उस केस में। ओके, समझ में आया, मतलब दरवाजा तोड़ा जा सकता है और वो डॉक्यूमेंट्स लिया जा सकता है। ओके नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहला केस था पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर सेक्शन 67। यहाँ पे ध्यान से देना बेटा, प्रॉपर ऑफिसर ओनली अपॉन रिटन ऑथराइजेशन गिवन बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और अबव। मतलब मैं जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर की रैंक ऑफिसर हूँ, मैंने किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइजेशन दिया कि आप जाकर के सर्च करो, इंस्पेक्शन करो, तो ये प्रॉपर ऑफिसर जाकर के सर्च या इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर जो है ऑथराइज करने की, वो पावर किसके पास है, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर की रैंक के ऑफिसर के पास में। ओके, नेक्स्ट है सर्कमस्टांसिस फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, किन किन केसेस में हम इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। बराबर, तो जैसे ये मिस्टर एक्स है, ये जो बिजनेसमैन है, ये मिस्टर एक्स है, बराबर है। अब इधर देखना, पहला केस सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन, इन्होंने किसी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन, कोई डील किया, जैसे कि मिस्टर एक्स है, इन्होंने इस मिस्टर वाई को माल बेचा, बट वो अंडर टेबल बेचा, उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है और वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में कर लिखना भी नहीं चाहते, छिपा रहे, बराबर है। तो उस केस में अगर हमारे को ऐसा कोई डाउट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस केस में हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरा है क्लेम्ड ITC इन एक्सेस, मान लो कि हमारे को कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमको ये मालूम चलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा लेते हैं, जैसे इन्होंने दो मशीनरीज खरीदी थी 1 करोड़ रुपये में जिसपे इन्होंने 12 लाख का GST पे किया, बट इन्होंने क्लेम 18 लाख का GST किया, 18 लाख का GST इन्होंने क्लेम किया, इन्होंने वो मशीन खरीदी थी ये मिस्टर जेड जो है ना उनसे, मिस्टर जेड ने जब रिटर्न फाइल किया तब हमारे को मालूम चला कि इन्होंने जो टैक्स का अमाउंट पे किया वो तो 12 लाख है, तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने बोला नहीं मैंने तो 12 लाख ही चार्ज किया, तो मैंने कहा फिर इन्होंने 18 लाख का क्रेडिट कैसे ले लिया, ये ITC एक्सेस ले रहे हैं, बट ये इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलती की। तो इस केस में हम इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रावेंड ऑफ एनी प्रोविजन, ये कोई भी प्रोविजन वगैरह फॉलो नहीं करते एक्ट के, बराबर, उस केस में इंस्पेक्शन या सर्च किया जा सकता है, या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह या गुड्स को, स्टोर को, स्टॉक वगैरह जो होते हैं उनको रखते हैं अपने पास में, बट किस तरह से, कॉज इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ गुड्स इन्होंने अंडर टेबल खरीदा बट उनका रिकॉर्ड में कोई एंट्री वगैरह कुछ की नहीं, बराबर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसको शो नहीं किया जा रहा है, बराबर है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री ऐसे शो की जा रही है जिससे मिसलीडिंग हो सके, या सेल हो रही है 1 लाख की और अमाउंट दिखाया जा रहा है 80 लाख, ये 80,000 का, ताकि GST का अमाउंट कम लगे, बाकी का अंडर टेबल 20,000 जो है अंडर टेबल सेटलमेंट वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ। उसके अलावा इवेजन बाय टैक्स बाय एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वेयर हाउस और गोडाउन और गोडाउन ऑपरेटर एंड ओनर, ये क्या बोलना चाहता है ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे ये GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बराबर, ये इन भाई साहब का माल लेकर के जाती है, ये बिना इनवॉइस इशू के माल बेचते हैं, बराबर, टैक्स की चोरी करने की नियत से, और ये गुड्स इनके ट्रक में जाता है, जबकि हमने पढ़ा था कि GTA जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनवॉइस की कॉपी अपने पास में रखनी चाहिए, ये वो कॉपी नहीं रखता, क्यों, क्योंकि इनको पता है ये चोरी का माल है, ये टैक्स की चोरी करके माल भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व है, तो इस ट्रांसपोर्टर के भी इंस्पेक्शन की जा सकती है, या ये गुड्स जो है ये गुड्स इस गोडाउन में रखा गया, तो जो गोडाउन का मालिक है, जो ओनर है या जो वेयरहाउस कीपर है, उनके वहां पे भी इंस्पेक्शन या सर्च सीज किया जा सकता है। दूसरा, गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स एटसेट्रा सीक्रेटेड एंड यूजफुल टू एनी प्रोसीडिंग, सीक्रेट रखी गई हो तो। नेक्स्ट आता पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च, ना नेक्स्ट आता पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च, ऑफिसर के पास क्या क्या पावर है, अब ये प्रॉपर ऑफिसर गए सर्च के लिए, इनके पास क्या पावर है, सबसे पहले चीज सर्च फॉर एन सीज्ड गुड्स, ये सर्च कर सकते हैं, कोई गुड्स अगर इनको लगता है कि जिसको लेकर के टैक्स इविजन हुआ है, बराबर है, तो उसको सीज भी किया जा सकता है, विच आर लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, एंड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स, डॉक्यूमेंट भी सीज किए जा सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सीज किए जा सकते हैं, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी सच गुड्स देन द सेम में बी डिटेन, जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी मशीनरीज सीज नहीं कर सकते तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा, उनको आप सेल नहीं कर सकते। दूसरी पावर क्या, टू ब्रेक ओपन द डोर, अगर मान लो ये सपोर्ट नहीं करते हैं,
बराबर कौन बिजनेसमैन जो है ये सपोर्ट नहीं करते हैं मिस्टर एक्स, उस केस में ये दरवाज़ा तोड़ भी सकते हैं उनके ऑफिस का, उनके प्रीमाइसेस का, उनके रूम का, जिसमें भी अगर इस प्रॉपर ऑफिसर को, इनको प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन रखी हुई है जो टैक्स इविजन से रिलेटेड हो सकती है, या कोई अलमारी में जैसे ये अलमारी है, इस अलमारी के अंदर कुछ टैक्स इविजन से रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगर रखे गए हैं बराबर है, तो उस केस में उस अलमारी को भी तोड़ा जा सकता है यहाँ पर। तो ध्यान से सुना, ब्रेक ओपन द डोर, सीधा सीधा है कि ये प्रॉपर ऑफिसर बोल सकते हैं दया दरवाज़ा तोड़ दो, और दया दरवाज़ा तोड़ देगा, तो पावर है इनके पास में। दूसरा, अलमारी तोड़ दो, अलमारी तोड़ने की भी पावर है इनके पास में। ही कैन ब्रेक ओपन एनी अलमीरा और बॉक्स इफ एक्सेस टू सच अलमीरा और बॉक्स इज डिनाइड, अगर ये मना करते हैं नहीं हम अलमारी को छूने नहीं देंगे, हम रूम में जाने नहीं देंगे, हम दरवाजे का ताला नहीं खोलेंगे, उस केस में ये क्या जा सकता है। ओके ना, अब आते हैं आगे ना बेटा। अब इधर देखना, जब कोई भी गुड्स को अगर सीज किया जाता है, जैसे कि ये गुड्स वगैरह सीज करके मेरे पास में लेकर के आएंगे कि बोले सर ये गुड्स हमने सीज कर लिया, ये डॉक्यूमेंट्स हमने सीज कर लिए, ये प्रॉपर ऑफिसर जब सारी डिटेल्स वगैरह सबमिट करेंगे मेरे पास में, तो उसके बाद में उन सीज किए डॉक्यूमेंट को या उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के या जो गुड्स को, हम उनको कॉन्फिस्केशन में भी ले सकते हैं। सीज का मतलब क्या होता है कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको अपने पास में रखा, और अगर ये लोग आकर के, ये जो बिजनेसमैन है ये आकर के अपना टैक्स वगैरह पे कर दे, तो हम इनके डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब इनको दे देंगे, बट टैक्स के साथ इनको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है कि अब उनके ऊपर राइट ही सरकार का हो गया, गवर्नमेंट का राइट हो गया। कोई भी गुड्स अगर कॉन्फिस्केशन में ले लिया तो फिर उसको ऑक्शन में अगर बेच दिया तो उसके मिलने वाला पूरा पैसा गवर्नमेंट का होगा बराबर है। तो कॉन्फिस्केशन में किसी भी चीज़ को लेने से पहले हमको एक शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ता है इन बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन को बोलते हैं कि भाई बताइए हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये गुड्स वगैरह हम कॉन्फिस्केशन में क्यों ना लाएं। तो ये बोलेंगे सर वो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, हम टैक्स पे कर देते हैं, तो जो है हम एडिशनल टैक्स पे कर देंगे, हम पेनल्टी पे कर देंगे, फिर आप गुड्स को रिलीज कर दीजिए, तो वो प्रोसीजर हो सकता है। तो इधर देखना बेटा, अभी हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, सीज कॉन्फिस्केटेड गुड्स डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग्स। अब इधर देखते हैं, सबसे पहली चीज कॉन्फिस्केटेड गुड्स जो है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनको क्या सीज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब डॉक्यूमेंट्स को तो प्रैक्टिकली सीज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बराबर, बट बड़ी बड़ी मशीनों को प्रैक्टिकली सीज नहीं किया जा सकता, उनको सीज करके नहीं रख सकते, तो उनको डिटेन किया जाएगा, मैंने आपको बोला। तो इधर देखो, ध्यान से सुनो, नो इज इट प्रैक्टिकेबल, नो सर्विस ऑर्डर ऑन द ओनर और द कस्टोडियन ऑफ द गुड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर। एक ऑर्डर मैं इनको दे दूंगा बिजनेसमैन को, क्या ऑर्डर होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर दे देगा इनको, सॉरी मैं नहीं, प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर दे देगा, भाई ये मशीन वगैरह आप बेचोगे नहीं, सेल नहीं करोगे, और ये अपनी जगह से यहाँ से हिलाओगे नहीं बराबर है। तो इस तरह से उसको डिटेन किया जा सकता है। दूसरा आता है यस प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये देखो पहले इसके नीचे आ जाओ, पहले ये वाला कर लेते हैं, नॉट रिमूव और डील विद द गुड्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ ऑफिसर। मान लो इनको वो गुड्स अगर बेचना पड़े, बेचना बहुत जरूरी है, तो उस केस में ये पहले हमारी परमिशन लेंगे और उसके बाद में ही ये बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बेच सकते। नेक्स्ट आता है इज इट प्रैक्टिकल, यस पॉसिबल है कि हम इनके बुक्स अकाउंट गुड्स वगैरह को सीज कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, दीज आर रिलाइड ऑन फॉर केस रिक्वायर्ड फॉर द केस, मतलब ये क्या कहना चाहता है, जो बुक्स अकाउंट्स वगैरह हमने इनके लिए हैं क्या वो हमारे केस के लिए जरूरी है? तो अगर वो हमारे केस के लिए जरूरी तो हम उनको रखेंगे अपने पास में जब तक हमारे केस की इंक्वायरी चल रही है, बट अगर मान लो कि वो हमारे केस के लिए जरूरी नहीं है, वो हमारे केस के लिए जरूरी नहीं है, तो हमने कॉन्फिस्केशन का इनको एक नोटिस तो भेजा होगा, शोकॉज नोटिस। वो शोकॉज नोटिस जब इनको भेजा हमने बराबर है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर हम इनके बुक्स अकाउंट्स इनको रिलीज कर देंगे। ओके ओके, तो इधर देखो, रिटेन By such officer for any inquiry or proceeding under this act, no, to return within 30 days of the issue of notice. जिस दिन नोटिस इश्यू किया उसके 30 डेज में उनको रिटर्न कर दे, क्योंकि हमारे काम के नहीं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह। तो इधर देखना, ये 10 टाइप्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनमें से ये 5 हमारे काम के, तो हम इनको रिटर्न करके रखेंगे, ये 5 हमारे काम के नहीं, तो विद इन 30 डेज में हम इनको वापस लौटा देंगे। हाँ, बट मान लीजिए कि इनके वहाँ पे इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारे पास में, उस केस में हम इनको उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जेरोक्स करके उनको सर्टिफाइड करके इनको दे देंगे, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह के भी वो काम में आ सके। नेक्स्ट आता है मैनर टू रिलीज कॉन्फिस्केटेड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो गुड्स वगैरह हमने इनका सीज किया है, कॉन्फिस्केशन में लिया है, उनको रिलीज कैसे कर सकता, तो यहाँ पे देखना,
मैंने टू रिलीज कॉन्फिस्केटेड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पहला प्रोविजनल बेसिस, या तो ये भाई साहब खुद ही आ जाए कि देखो भाई साहब आप कॉन्फिस्केशन में मतलब, अगर कॉन्फिस्केशन में ले लिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी पूरी पावर आप मतलब मैं प्रोविजनल बेसिस पे आपको ड्यूटी पे कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, बट मुझे साबित करने में, एविडेंस इकट्ठे करने में कुछ टाइम लग जाएगा, तब तक आप ये गुड्स अगर बेच दोगे तो मेरा क्या होगा। तो उस केसेस में प्रोविजनल बेसिस पे ये क्या करेगा, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, सिक्योरिटी देगा, पेमेंट करेगा जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी होती है उसका, और हम इसका गुड्स इसको रिलीज कर देंगे, बराबर। केस नंबर टू, एक्चुअल डिस्चार्ज व्हेन नो नोटिस इश्यू। मान लो हमने शोकॉज नोटिस इश्यू नहीं किया कॉन्फिस्केशन का, इनको हमने गुड सीज कर लिया बट कॉन्फिस्केशन का जो नोटिस इश्यू करना था वो नोटिस इश्यू नहीं किया हमने, तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक हमें इनका गुड्स इनको वापस लौटाना पड़ेगा, भले उसके साथ फ्रॉड ही क्यों ना हुआ। ये हमारी गलती है कि डिपार्टमेंट को शोकॉज नोटिस इशू करना था कि हम आपका गुड्स कॉन्फिस्केशन में क्यों ना लें, अगर वो नोटिस इशू नहीं किया तो इस केस में इनकी कोई गलती नहीं है, 6 महीने बाद हमको इनका गुड्स इनको रिलीज करना पड़ेगा, ओके, विद इन 6 मंथ ऑफ सीजर ऑफ गुड्स, पेरिशेबल हैजार्डियस गुड्स, कॉन्स्टेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस एटसेट्रा। अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स जो इनका गुड्स जो हमने लिया है वो पेरिशेबल नेचर का है, हमको मालूम कि 10-15 दिन में 20 दिन में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ये गुड्स, तो वो हमारे भी काम का नहीं, इनके भी काम का नहीं। उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमिश्नर वगैरह से परमिशन लेंगे और उनको बोलेंगे कि हम इस गुड्स को डिस्पोज करना चाहते हैं, वो बेटर रहेगा सबके लिए। तो उसको डिस्पोज करने का मतलब है उसको ऑक्शन में डालना, ऑक्शन में डाल देंगे और उसका जो भी पैसा आएगा हम हमारी लायबिलिटी वगैरह बेयर कर, जो भी लायबिलिटी बनती है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की, वो हम काट करके बाकी का पैसा तो उनको दे सकते हैं, बराबर है। तो उधर देखो डिस्पोजल बाय प्रॉपर ऑफिसर, बट ये डिस्पोज करने से पहले हमको उसकी पूरी इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी, प्रेयर इन्वेंटरी ऑफ सच गुड्स। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि गुड्स कौन सी क्वालिटी का, कौन सी क्वांटिटी का, मार्केट रेट क्या चल रही है उसकी, वो सारी डिटेल का एक स्टेटमेंट बनेगा। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले कई बार फ्रॉड करते हैं, जैसे उनके गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 करोड़ रुपीज है, ये भाई साहब मेरे मिलने वाले हैं, मैं ऑक्शन करवाता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ तो 20 लाख में खरीद ले, और मैं डिपार्टमेंट को बोल दूंगा जी हाईएस्ट बोली 20 लाख की इन्होंने लगाई थी तो मैंने बेच दिया। अरे 1 करोड़ का गुड्स 20 लाख में कैसे बेच सकते हो, उस आदमी को तो लॉस हो गया ना, 20 लाख का जो टैक्स है उतना अमाउंट तो रिकवर हो गया टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, बट वो बेचारा 80 लाख कमा भी लेता ऊपर, वो तो आपने नहीं दिया ना उसको, वो तो मैंने अपने किसी मिलने वाले को फायदा पहुंचा दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बना दिया कि आज की तारीख में अगर कोई भी ऑक्शन में कोई भी चीज जाती है उसकी इन्वेंटरी रेडी होगी, अगर मैंने उसके मार्केट प्राइस से कम पर बेचा तो मुझे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने मार्केट प्राइस से कम पर क्यों बेचा, क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी, तो वहां पे मैं फंस सकता हूं। इसलिए इन्वेंटरी तैयार की जाती है, इन्वेंटरी का मतलब एक स्टेटमेंट, जो भी गुड्स वगैरह मैंने बेचा है उस गुड्स कौन सा गुड्स है, किस क्वालिटी का, उसका रेट ऑफ जीएसटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और मैंने किस वैल्यू पे बेचा है, उन सब की डिटेल जो होती है वो होती है इन्वेंटरी। नाउ नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। अगर गुड्स मूवमेंट में हो, मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि ये मिस्टर एक्स है, बराबर है, इन्होंने माल बेचा मिस्टर वाई को, और ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक से माल जा रहा है, ये ट्रक किसका है, ये इन सरदार जी का है, ये सरदार जी जो है ये ऑनर इस ट्रक है, ये GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो माल लेकर के जा रही है। अब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ड्यूटी की चोरी हुई है, टैक्स पे नहीं किया गया, बिना GST पे के गुड्स को लेकर के जा रहे हैं, ईवे बिल नहीं है इनके पास में, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, डिलीवरी चालान नहीं है, या इनवॉइस नहीं है, जो भी, बराबर है, उस केस में हम रास्ते में इसको स्टॉप करके सर्च कर सकते हैं। तो आओ जरा, इंस्पेक्शन कैन ऑल्सो बी डन ऑफ द कन्वेंस कैरिंग ए कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सेडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। दूसरा, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट कैन बी डन इवन विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए हमको किसी जॉइंट कमिश्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर बिना मेरी परमिशन के, मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ, बिना मेरी परमिशन के भी सर्च कर सकता है स्टॉप करके। पर्सन इंचार्ज मस्ट कैरी डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वेंस, वो सारे डॉक्यूमेंट रखेगा अपने पास में, कौन, सरदार जी। लाइबिलिटी टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स बाई एनी पर्सन विद इन 15 working days ऑफ डिमांड और एनी फर्दर पीरियड अलाउ। अगर मान लो कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो हम ट्रक को रख लेंगे अपने पास में, उनको बोलेंगे भाई ये डॉक्यूमेंट लेकर क्या हो, वो डॉक्यूमेंट सरदार जी को 15 days के अंदर अंदर सबमिट करने पड़ेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं अरेस्ट। अरेस्ट किस केस में हो सकता है, अब अरेस्ट को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अरेस्ट 5 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड होता तब होता है, तो कुछ लोग कहते हैं 2 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड होता तब होता है। बेटा 2 करोड़ के केस में ही अरेस्ट किया जा सकता है, बट 5 करोड़ के केस में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। 2 करोड़ का फ्रॉड है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी बेल मिल सकती है, बट 5 करोड़ का फ्रॉड है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी बेल फिर कोर्ट में मिलेगी, बाकी के नॉर्मल ऑफिसर्स आपको बेल नहीं दे सकते, ओके। तो जरा आते हैं हम अरेस्ट क्या होता है उसके बारे में ना बेटा। नेक्स्ट आते हैं अरेस्ट, सेक्शन 69। अरेस्ट क्या बोलता है, किसी को भी
पकड़ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ऑफेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं। सीरियस ऑफेंस का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए इस आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया। अब ये जब इन्होंने इसका मर्डर कर दिया तो सीधी सी बात है, अगर मैं ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, तो मैं वेट थोड़ी करूंगा कि कोर्ट से जा करके इनके लिए अरेस्ट वारंट लेकर के आऊँ, फिर इस आदमी को अरेस्ट करूँ। ये सीरियस क्राइम है तो इस केस में मैं इमीडिएटली इनको अरेस्ट कर लूंगा और फिर इनकी बेल कोई भी आकर के नहीं दे सकता। इनके पिताजी आए बोले कि मैं अपने बेटे की बेल देता हूँ, एडवोकेट को लेकर के आया हूँ, ये पकड़ो बेल और ये पकड़ो जमानत और मुझे मेरे बेटे को रिलीज कर दो। तो क्या मैं रिलीज कर दूंगा एक खूनी को? बिल्कुल नहीं। सीरियस ऑफेंस जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उस केस में बेल मजिस्ट्रेट ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। वहाँ पर सुनवाई होती है, मजिस्ट्रेट अलाउ करे तो ही बेल मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। केस नंबर टू, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे मान लो कि कॉलेज में इन दो लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, पुलिस इनको पकड़ करके लेकर के आ गई, अब इनके पेरेंट्स आकर इनकी जमानत करते हैं तो इनको पेरेंट्स को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस स्टेशन में ही जमानत देकर के इन बच्चों को छुड़ा करके ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस नहीं है, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इनकी बेल पुलिस स्टेशन में या ऑफिसर्स के वहीं पर हो जाती है, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस की बेल मजिस्ट्रेट के पास में करवानी पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे जीएसटी में कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, सीरियस ऑफेंस किसको बोला गया? जीएसटी में सीरियस ऑफेंस बोला गया कि भाई आप क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट ले लेते हो अगर, बराबर है, या टैक्स की चोरी करते हो आप किसी भी रीजन से, एक्सेस क्रेडिट ले लेते हो, या रिफंड का अमाउंट डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना करके, गलत इन्फॉर्मेशन देकर के, मिसगाइड करके आप रिफंड ले लेते हो और ये अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा का, किससे ज्यादा का, मोर देन 5 करोड़ रुपीज, उसी को सीरियस ऑफेंस माना गया है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है यहां पर। ओके, जरा समझते हैं उन सब के बारे में। आइए, फर्स्ट अरेस्ट, अरेस्ट एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजन। व्हेन एवर द कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी स्पेसिफाइड ऑफेंस, कोई भी स्पेसिफाइड ऑफेंस किया, एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा का टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है। अभी स्पेसिफाइड ऑफेंस क्या होता है, वो है आईसी लिया दिया, लिया नहीं दिया, आईसी लिया नहीं दिया। सर आईसी लिया नहीं दिया, ये देखो इसका आई का मतलब इनवॉइस, कि गलत इनवॉइस इशू कर दिया मैंने, फेक इनवॉइस इशू कर दिया, बिना इनवॉइस के मैंने माल बेच दिया, बराबर है। तो इनवॉइस से रिलेटेड फ्रॉड, या क्रेडिट मैंने एक्सेस क्रेडिट वगैरह क्लेम कर लिए, बराबर है, या लिया बट नहीं दिया, मैं कस्टमर को माल बेचता हूँ उससे मैं टैक्स लेता हूँ बट डिपार्टमेंट को टैक्स पे नहीं करता, लिया बट नहीं दिया, कलेक्ट किया बट डिपार्टमेंट को नहीं दिया, बराबर है। कब लिया बट नहीं दिया, 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए, मैंने कस्टमर से तो टैक्स कलेक्ट कर लिया बट 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक डिपार्टमेंट को टैक्स पे नहीं किया, इसको बोलते लिया बट नहीं दिया। अगर ये अमाउंट, अगर इनका अमाउंट 2 करोड़ रुपीज तक का है, कितना, 2 करोड़ रुपीज तक का, तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है अगर मैं कस्टमर को माल बेचता हूँ, बराबर है, उनसे टैक्स लेता हूँ और 3 महीने तक मैंने जमा नहीं कराया, तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अब अरेस्ट तो हूँ बट मैं कौन से ऑफेंस में हूँ, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का है ना, तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, बट 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ तक का जो अमाउंट होता है वो होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसकी बेल मुझे ऑफिसर्स ही दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं। बट अगर ये फ्रॉड अगर 5 करोड़ का होता तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इधर आ जाओ बेटा, सप्लाई विद और विदाउट इनवॉइस विद इंटेंशन टू इवेट टैक्स, इशू इनकरेक्ट इनवॉइस, अवेल क्रेडिट ऑन इनकरेक्ट बिल, मतलब एक्सेस क्रेडिट वगैरह अवेल कर लिया, फेक इनवॉइस बनवा लिया। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं जीएसटी लोगों से काफ़ी कलेक्ट करता हूँ, मैं जो सप्लाई करता हूँ मैं जीएसटी काफ़ी कलेक्ट करता हूँ, वो जीएसटी मुझे डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया, वो 1 करोड़ रुपीज मुझे इन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है, इनको देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन भाई साहब के पास खूब सारा क्रेडिट पड़ा है, मैं इनको बोलता हूँ एक काम करो, आप मुझे इनवॉइस इशू कर दो जिसमें आपने मुझसे 1 करोड़ का जीएसटी लिया है, ये दिखा दो, बराबर है, मैं आपको 40 लाख कमीशन दे दूंगा उसके बदले। बोले ठीक है, इन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया क्योंकि उनके पास खूब सारा क्रेडिट पड़ा था, इनको मालूम है डिपार्टमेंट को कुछ पे तो करना नहीं, मैं सेटअप करवा लूंगा क्रेडिट से। तो हुआ क्या, इन्होंने मुझे फेक इनवॉइस इशू कर दिया ये। अब वो फेक इनवॉइस 1 करोड़ के क्रेडिट का है, अब इन्होंने 1 करोड़ टैक्स ले, ये बताया गया उसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, जब डिपार्टमेंट को 1 करोड़ का टैक्स देना होगा तो उसका सेट ऑफ ले लूंगा, इनवॉइस का सेट ऑफ ले लूंगा, तो डिपार्टमेंट को तो 0 पैसा दिया, मेरी पॉकेट से 40 लाख ही गया और 60 लाख रुपया मैंने अपने पास रख लिया, मेरे को 60 लाख का बेनिफिट, इन भाई साहब को 40 लाख रुपीज़ मिल गए, क्योंकि इनका बिजनेस बंद भी हो जाए तब इनको रिफंड नहीं होने वाला था, अनयूटिलाइज ITC, बराबर है, अनयूटिलाइज ITC रिफंड होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या जीरो रेटेड सप्लाई के केस में खाली, बराबर है। तो इनका भी फायदा, मेरा भी फायदा, नुकसान डिपार्टमेंट का। तो ऐसे जो केसेज होते हैं उनका अमाउंट अगर 2 करोड़ रुपीज़ है तो अरेस्ट किया जा सकता है मुझे, और अगर 5 करोड़ रुपीज़ है तो ये क्या माना जा सकता है, एक तरह से क्योंकि टैक्स की चोरी की मैंने, तो ये माना जा सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। Collect amount but not does not pay to the government beyond the period of 3 months. Points to be noted: arrest
विदाउट स्पेसिफाइड लिमिट। अगर मान लो देखो सीधी सी बात है, 2 करोड़ की लिमिट मैंने बताई थी अरेस्ट करने के लिए, मान लो मुझे एक बार अरेस्ट कर लिया गया और लिमिट जो है 3 करोड़ रुपीज़ थी, 3 करोड़ का फ्रॉड किया, मुझे इन्होंने अरेस्ट कर लिया, फिर मैं बेल पे छूट करके भी आ गया, उसके बाद अगर सेम ऑफेंस अगर मैं रिपीट करता हूँ या एक बार पहले मैं ये ऑफेंस कर चुका हूँ उसके बाद जेल भी जा चुका हूँ, फिर जेल से छूट करके भी आ गया, उसके बाद मैं वो ऑफेंस रिपीटेडली कर रहा हूँ वापस, तो वो अमाउंट अगर 1 रुपये का भी होगा या 10 रुपये का भी होगा या 100 रुपये का भी होगा या 500 रुपये का होगा, 1000 रुपये का होगा, 10,000 का होगा, कितने का भी होगा, मुझे वापस अरेस्ट किया जा सकता है, वहाँ पे कोई भी मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ए पर्सन अरेस्टेड फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। ए पर्सन इज अरेस्टेड फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, तो उस केस में उसकी जो बेल होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर जीएसटी, ये एक बार आप पढ़ लेना, ये वही है 5 करोड़ रुपीज़ वगैरह जो आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट है समन। समन क्या होता है? समन एक्चुअली क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। इन भाई साहब ने आपको माल बेचा, बराबर, आपको माल बेचा। अब इन भाई साहब की हम इंक्वायरी कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है। अब हमारे को ये बता नहीं रहे कि इन्होंने आपको माल कितने के बेचा, क्या बेचा, बोले इनवॉइस जल गया, मेरे पास सेल का कोई इनवॉइस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बहाने मारे हैं। बट हमको इतना पता है कि आप इनके क्लाइंट हो, तो हमको ये जानना है कि पिछले 2 महीने में आपने इनसे क्या क्या माल खरीदा, किस वैल्यू पे खरीदा, उसके बारे में कुछ इंक्वायरी करनी। जब इधर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये भाई साहब हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे ऑफिसर हूँ और ये भाई साहब हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस केस में हम क्या करेंगे? तो जो ऑफिसर होगा वो आपको समन इशू करेगा। समन क्या, जस्ट लाइक कि आइए सर चाय पे मिलते हैं, चाय पीते पीते बातें भी हो जाएगी, कॉफ़ी विद या टी विद जीएसटी ऑफिसर, यूँ बोल सकते हैं समन को। आपको बुलाया जाएगा, आपसे कुछ इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी से उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, बराबर है, ताकि इनको इनका केस वगैरह सोल्व करने में हेल्प मिले। तो समन जो होता है जस्ट लाइक इन्विटेशन कार्ड, तो आपको जाना जरूरी है बेटा यहाँ पे, अगर डिपार्टमेंट इन्वाइट कर रहा है तो आपको। तो इधर देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पर्सन सो समन, बट इन्विटेशन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्जी होगी तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, जाना कंपलसरी है बेटा। सबसे पहली चीज़ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनको सम्मन आया, जैसे आपको मैंने सम्मन इशू किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? बाउंड टू अटेंड आइदर इन पर्सन, आप खुद आओ, और बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, या आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, सीए वगैरह जो भी आपका है। दूसरा, ही इज बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, और आपको सच बोलना है हमारे सामने, बराबर है, यहाँ पे गीता पे कोई कसम नहीं खिलाई जाती, बट सच बोलना है आपको। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू बी कंसिडर्ड बाय द इशू ऑफ सम्मन, समन इशू करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुना। पहला, लास्ट रिसोर्ट, समन हम आपको तभी इशू करेंगे जब हमारे को और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं एविडेंस इकट्ठे करने के, लास्ट रिसोर्ट ही होना चाहिए समन का। ये नहीं कि मूड हो गया चलो समन इशू कर दे, केस शुरू हुआ, हमने अभी इंक्वायरी भी नहीं की इन लोगों से और आपको समन इशू कर दिया, नहीं, वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। दूसरा, नॉट बी हार्श एंड लीगल, समन जो आपको इशू किया जाएगा उसकी लैंग्वेज हार्श और लीगल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर समन आ गया और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लॉ की, तो आप क्या करते हो, वो टेक्निकल लैंग्वेज देख करके घबरा जाते हो, बराबर, उससे अगर किसी को अटैक आ गया, कोई मर गया, तो फिर तो उन्होंने बोला भाई हार्श लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लीगल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में आप समन इशू करोगे। दूसरा, प्रायर रिटन परमिशन, समन इशू करने से पहले, मान लो कि मैं प्रॉपर ऑफिसर हूँ, मुझे समन इशू करना, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ये असिस्टेंट कमिश्नर है या इनसे या इनके ऊपर की रैंक के किसी भी ऑफिसर से मैं परमिशन लूँगा, परमिशन राइटिंग में होगी। बट क्या मैंने इनके परमिशन के लिए बोला कि सर मुझे परमिशन चाहिए, मुझे समन इशू करना है जो सामने मिस्टर एक्स है, सॉरी जो सामने मिस्टर राजेश है उनको, तो इन्होंने बोला मिस्टर राजेश को आप समन इशू करूँ, तो मैंने कहा सर राइटिंग में परमिशन दे दो, बट मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ ऑफिस में, हम 5 दिन के लिए किसी जगह पे सर्च के लिए आए हुए हैं और वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है अभी 5 दिन तक, तो मैंने कहा सर मुझे समन इशू करना, मैं क्या करूँ? उस केस में ओरली परमिशन भी वैलिड होगी। वेर द ऑपरेशनल रीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन ओरल या टेलीफोनिक परमिशन फ्रॉम सच ऑफिसर मस्ट बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट, सबमिट ए रिपोर्ट, जब मैं आपको बुलाऊंगा, आपसे मैं कुछ इंक्वायरी करूंगा, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लूंगा, फिर उसकी एक रिपोर्ट बना करके मैं इनको सबमिट करूंगा, जिन्होंने मुझे परमिशन दी, हायर अथॉरिटी, असिस्टेंट कमिश्नर या उसकी ऊपर की रैंक का ऑफिसर। नेक्स्ट, सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल, अब जैसे ये देखो कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे टाटा है, ये रिलायंस है, अब इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जैसे मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा, हम उनको सम्मन इशू नहीं कर सकते डायरेक्ट, कभी नहीं, जब तक हमारे पास ठोस एविडेंस ना हो कि ये इन्वॉल्व है तब तक हम इनको समन इशू नहीं कर सकते। तो किसी भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है डायरेक्ट आप उसको समन इशू नहीं कर सकते हो। तो इधर देखो, सीनियर मैनेजमेंट और ऑफिशियल सच एज सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर ऑफ ए लार्ज कंपनी और ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड नॉट जनरली बी इशूड समन एट द फर्स्ट इंस्टांस,
ओके। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इश्यूइंग समन, समन इश्यू करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे भी, और ये फायदा आप लोगों के लिए, अब जो पॉइंट बताने वाला हूँ ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको फायदा मिलेगा। कैसा होगा जरा देखना। सबसे पहले, समन शुड नॉट बी इशूड अपेरेंस वेयर इट इज नॉट जस्टिफाइड। अब इधर देखना, केस चल रहा है इन भाई साहब का और आपका उनसे दूर दूर तक कोई खास लेना देना नहीं है, और समन इशू करके आपसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने वाली वो इतने कोई काम के भी नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं, फिर भी मैं आपको समन इशू कर रहा हूँ, ये अलाउ नहीं है, मैं आपको समन इशू यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। दूसरा, नॉर्मली समन शुड नॉट बी इशूड रिपीटेडली। मैंने आपको एक बार समन इशू किया, आपको समन इशू कर दिया, समन इशू करने के बाद में, आपको बुलाया, फिर मैंने क्या किया, चार दिन बाद वापस समन इशू किया उसी केस को से रिलेटेड, फिर दो दिन बाद और समन इशू कर दिया। बार बार मैं आपको समन इशू नहीं कर सकता, एक ही बार बुलाओ, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है वो एक ही बार में मुझे आपसे ले लेनी है। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट ऑफ टाइम अपेरेंस। अगर आपको मैंने बुलाया, आप आए, मैंने बोला कि भाई आपको आना है, आप आए, समन इशू किया मैंने आपको, आपके आने के बाद में आपको मैंने बोला बाहर बैठिए, और आपको दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा मैंने बाहर बैठा करके रखा, अपने कैबिन में बुलाया ही नहीं, और इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन आपसे ली नहीं, और तीन चार घंटे बाद इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये अलाउ नहीं है। मैं आपके टाइम के रेस्पेक्ट करूँगा, आपको जिस टाइम पे बुलाया, अगर आप उस टाइम पे आए हैं तो मैं उस केस में सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दे करके आपकी पूरी बात और सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। बट हाँ, मान लो मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ, मैं किसी केस में फंसा हुआ हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में ये एक एक्सेप्शन है कि आपको वेट करना पड़ सकता है, बराबर है। प्रिफेबली स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। मैं आपको ऑफिस आवर्स में बुलाऊंगा, मैं ये नहीं बोल सकता एक काम कीजिए रात को 9 बजे अपन मिलते हैं, बराबर है, बोले कहाँ पर, मैंने बोला रेस्टोरेंट में मिलते हैं अपन, तो ये एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे मिलते हैं, बैठ करके बात करते हैं, नहीं वहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं होगी, क्यों, अंडर टेबल को सेटिंग करनी है क्या, तो मैं क्यों बुला रहा हूँ आप लोगों को, जो भी काम करना है, जो भी रिकॉर्ड, जो भी आपसे रिकॉर्ड वगैरह मुझे लेने हैं, जो भी हेयरिंग करवानी है, वो सब के सब इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी लेनी है वो ऑफिस आवर्स में लूँगा मैं आपसे, ओके। नेक्स्ट है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस सेक्शन 71। मान लीजिए ये भाई साहब है मिस्टर एक्स, इन भाई साहब के तीन जगह पे बिजनेस है, कहाँ कहाँ पे बिजनेस है, एक गोवा में, दूसरा मुंबई में, और तीसरा दिल्ली में। तो देखो, गोवा, मुंबई और दिल्ली, तीन जगह पे इन भाई साहब के बिजनेस है, बराबर है, ये तीन ऑफिस मान लेते हैं, ओके। हम इन ऑफिस में सर्च करवा सकते हैं, बराबर है। तो याद रखना, जो बिजनेस प्रीमाइसेस इनके जितने भी है वहाँ पे इंक्वायरी हो सकती है, वहाँ पे सर्च हो सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। एक रजिस्टर्ड पर्सन के जितने भी बिजनेस प्रीमाइसेस है वहाँ पे जाकर के इंस्पेक्शन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, एक्सेस टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, पर्सन इंचार्ज ऑफ द प्लेस, और वहाँ का जो भी इंचार्ज, मान लो हम गोवा की फैक्ट्री में गए आपके, ये गोवा की फैक्ट्री है, तो यहाँ के इंचार्ज ये भाई साहब हैं मिस्टर राघवन, ये मिस्टर राघवन यहाँ के इंचार्ज हैं, तो मिस्टर राघवन से हम जो भी डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे इनको हमें देनी पड़ेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हम मांगेंगे वो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच डिमांड इज मेड। हमने इनको बोला ये बुक्स ऑफ अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स ये सब सबमिट करो, तो जब हम इनको इनसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे उसके 15 दिन में ये जो इंचार्ज है वहाँ के प्रीमाइसेस के ये वो डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करेंगे, ओके। चलो यहाँ पे बेटा आपके ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।